एक ऐसा मंदिर जिसकी मूर्तियां अधूरी हैं, एक ऐसा मंदिर जिसके ऊपर से हवाई जहाज तक नहीं उड़ते और जिसके शिखर का झंडा रोज बदला जाता है, एक ऐसा मंदिर जहां की रसोई का प्रसाद कभी खत्म नहीं होता। नमस्कार, मैं हूं अर्जिता मिश्रा और आप देख रहे हैं इंडिया पब्लिक खबर। स्वागत है आपका हमारे इस स्पेशल प्रोग्राम में, जहां हम कराते हैं आपको रूबरू देश दुनिया की तमाम जानकारी भरी खबरों से। इसी कड़ी में आज हम आपको कराते हैं रूबरू ओडिशा के जगन्नाथपुरी धाम के हैरान कर देने वाले रहस्यों से, जिन्हें आज तक कोई भी सुलझा नहीं पाया। पूरे भारत में या यूं कहें कि पूरे विश्व में विख्यात ओडिशा की रथ यात्रा के बारे में तो आपने सुना ही होगा। उसी ओडिशा के समुद्र के किनारे बसे शहर पुरी में स्थित जगन्नाथ मंदिर, जिसे हिंदुओं के चार धामों में से एक माना जाता है, हिंदुओं के पुराने और पवित्र सात पुरियों में से एक इस पुरी में स्थित जगन्नाथ मंदिर को बहुत ही प्राचीन माना जाता है। यहाँ पर हर साल आषाढ़ महीने की शुक्ल पक्ष की दूज से रथ यात्रा शुरू होती है, जिसमें शामिल होने के लिए देश विदेश से लाखों भक्त आते हैं। इस मंदिर को सतयुग के राजा इंद्रद्युम्न ने बनवाया था। समय समय पर इस मंदिर का जीर्णोद्धार होता रहा है। इस मंदिर का सबसे पहला प्रमाण महाभारत के वन पर्व में मिलता है। वर्तमान में जो मंदिर है वो 7वीं सदी में बनवाया गया था। हालांकि इस मंदिर का निर्माण ईसा पूर्व 2 में भी हुआ था। यहाँ स्थित मंदिर 3 बार टूट चुका है। 1174 ईस्वी में ओडिशा शासक अनंग भीमदेव ने इसका जीर्णोद्धार करवाया था। मुख्य मंदिर के आसपास लगभग 30 छोटे बड़े मंदिर स्थापित हैं। लेकिन इस 800 साल से भी ज्यादा पुराने पवित्र मंदिर से जुड़ी कई ऐसी रहस्यमय और चमत्कारी बातें हैं जो आपको बिल्कुल हैरान कर देंगी। तो आइए जानते हैं इस मंदिर से जुड़े ऐसे तथ्यों को, जो आज भी तमाम रहस्यों का केंद्र बने हुए हैं। विश्व विख्यात जगन्नाथ मंदिर, जो कि भगवान विष्णु के अवतार श्री कृष्ण को समर्पित है, इसका सबसे बड़ा रहस्य ये है कि इसके शिखर पर स्थित झंडा हमेशा हवा की विपरीत दिशा में लहराता है। वैसे आमतौर पर दिन के समय हवा समुद्र से धरती की तरफ चलती है और शाम को धरती से समुद्र की तरफ, लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि यहाँ ये प्रक्रिया बिल्कुल उलट है। मंदिर के शिखर का झंडा रोज बदला जाता है। अब ऐसा क्यों है, ये रहस्य फिलहाल आज तक कोई नहीं जान पाया है। दूसरा आश्चर्य है जगन्नाथ मंदिर के शिखर पर लगा एक सुदर्शन चक्र, जिसके बारे में कहा जाता है कि उसे किसी भी दिशा से खड़े होकर देखा जाए पर ऐसा लगता है कि चक्र का मुंह आपकी ही तरफ है। इसी तरह एक और रहस्य ये है कि मंदिर के शिखर की छाया हमेशा अदृश्य ही रहती है। जी हाँ, उसे जमीन पर कभी कोई नहीं देख पाता। कहते हैं कि मंदिर का एक सिंह द्वार भी है, जिसके अंदर पहला कदम रखते ही मंदिर के अंदर से आप सागर की लहरों की आवाज को नहीं सुन सकते, लेकिन जैसे ही आप मंदिर के बाहर जाएंगे तब आपको समुद्र के लहरों की आवाजें फिर से सुनाई देने लगेंगी। हैरान करने वाली बात तो ये है कि अंदर समुद्र की लहरों की आवाज किसी को भी सुनाई नहीं देती, जबकि समुद्र पास में ही है। इसी तरह मंदिर के बाहर एक स्वर्ग द्वार है, जहां पर मोक्ष प्राप्ति के लिए शव जलाए जाते हैं, लेकिन जब आप मंदिर से बाहर निकलेंगे तो आपको लाशों के जलने की कोई भी गंध महसूस नहीं होगी। ये भी अचरज की बात है कि बाहर की दुर्गंध भी भीतर नहीं आती। यूं तो आमतौर पर मंदिरों के ऊपर से पक्षी गुजरते हैं या कभी कभी उसके शिखर पर भी बैठ जाते हैं, लेकिन जगन्नाथ मंदिर इस मामले में सबसे रहस्यमय है, क्योंकि इसके ऊपर से कोई भी पक्षी नहीं गुजरता। सिर्फ यही नहीं, मंदिर के ऊपर से कोई हवाई जहाज भी नहीं उड़ते। इस मंदिर की रसोई भी हर किसी को हैरान कर देती है। दरअसल यहाँ भक्तों के लिए प्रसाद पकाने के लिए 7 बर्तन एक दूसरे के ऊपर रखे जाते हैं, लेकिन हैरानी की बात यह है कि सबसे ऊपर रखे बर्तन में ही प्रसाद सबसे पहले पकता है, फिर नीचे की तरफ एक के बाद एक बर्तन में रखा प्रसाद पकता जाता है। इसके अलावा ये भी कहा जाता है कि यहाँ हर दिन बनने वाला प्रसाद भक्तों के बीच कभी कम नहीं पड़ता। चाहे 10-20 हजार लोग यहाँ आए या लाखों लोग, सबको प्रसाद मिलता ही है, लेकिन जैसे ही मंदिर का द्वार बंद होता है वैसे ही प्रसाद भी खत्म हो जाता है। वैसे तो आपने हर मंदिर में भगवान की मूर्तियों के पूरे विग्रह देखे होंगे, लेकिन ये एकमात्र ऐसा मंदिर है जहाँ पर श्री कृष्ण, बलराम और सुभद्रा की अधूरी मूर्तियाँ विराजमान है, और ये भी लकड़ी की। हर वर्ष मूर्तियाँ बदल दी जाती है, लेकिन भगवान जगन्नाथ मंदिर में एक चीज है जो पुरानी मूर्ति से लेकर नई मूर्ति में हमेशा वैसी की वैसी ही रहती है। इसका नाम है ब्रह्म पदार्थ। इसको पुरानी मूर्ति से निकाल कर नई मूर्ति में डाल दिया जाता है। माना जाता है कि जो ब्रह्म पदार्थ को देखता है उसकी मौत हो जाती है। कई पुजारियों का कहना है कि ब्रह्म पदार्थ पुरानी मूर्ति से नई मूर्ति में डालते वक्त उछलता हुआ महसूस होता है। छूने में ये एक खरगोश जैसा लगता है। वहां के लोगों और मंदिर और पुजारियों की माने तो ये ब्रह्म पदार्थ
कुछ और नहीं बल्कि भगवान श्री कृष्ण का धड़कता हृदय है जो आज भी सक्रिय अवस्था में है। अगर बात करें पुरी की रथ यात्रा के बारे में तो ये विश्व की सबसे बड़ी रथ यात्रा है। आषाढ़ महीने में भगवान रथ पर सवार होकर अपनी मौसी रानी गुंडीचा के घर जाते हैं। ये रथ यात्रा 5 किलोमीटर में फैले पुरुषोत्तम क्षेत्र में ही होती है। रानी गुंडीचा भगवान जगन्नाथ के परम भक्त राजा इंद्रद्युम्न की पत्नी थी, इसीलिए रानी को भगवान जगन्नाथ की मौसी कहा जाता है। अपनी मौसी के घर भगवान 8 दिन रहते हैं। आषाढ़ शुक्ल दशमी को वापसी की यात्रा होती है। भगवान जगन्नाथ का रथ नंदी घोष है, देवी सुभद्रा का रथ दर्प दलन है और भाई बलभद्र का रक्ष तल ध्वज है। पुरी के गजपति महाराज सोने की झाड़ू बुहारते हैं जिसे छेरा पैरन कहा जाता है। माना जाता है कि 3 बार समुद्र ने जगन्नाथ जी के मंदिर को तोड़ दिया था। कहते हैं कि महाप्रभु जगन्नाथ ने वीर मारुति हनुमान जी को यहाँ समुद्र को नियंत्रित करने के लिए रख लिया था, लेकिन हनुमान जी जगन्नाथ बलभद्र और सुभद्रा के दर्शनों को करने से खुद को रोक नहीं पाते थे। वो प्रभु के दर्शन के लिए नगर में प्रवेश कर जाते थे, ऐसे में समुद्र भी उनके पीछे पीछे नगर में प्रवेश कर जाता था। केसरी नंदन हनुमान जी की इस आदत से परेशान होकर जगन्नाथ महाप्रभु ने हनुमान जी को यहाँ स्वर्ण बेड़ी से बांध दिया था। यहाँ जगन्नाथपुरी में ही सागर तट पर बेड़ी हनुमान का प्राचीन और प्रसिद्ध मंदिर है। भक्त लोग बेड़ी में जकड़े हनुमान जी के दर्शन करने के लिए यहाँ अक्सर आते हैं। फिलहाल के लिए अद्भुत और हैरान कर देने वाली जगन्नाथ मंदिर के तथ्यों से जुड़ी जानकारी में बस इतना ही। आपको ये जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। फिर मिलेंगे अगली कड़ी में ऐसी ही तमाम अद्भुत जानकारियों के साथ। तब तक के लिए देश और दुनिया की बाकी बड़ी और अहम खबरों के लिए देखते रहें इंडिया पब्लिक खबर। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें।